हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ। तो पहले शुरुआत मंदिर से करते हैं। तो ये है हमारा मंदिर। तो अभी मैंने पूजा वूजा की है तो इसलिए। तो आप लोग कैसे हो कमेंट करके जरूर बताना। और तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। चल जाओ। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो आज मैंने खाना पकाना है आलू टमाटर का रस और चावल। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं आलू टमाटर का रस कैसे बनाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले गैस को ऑन करते हैं। तो हो गई हमारी गैस ऑन। और लाइटर कर दिया हमारी गैस। कर दिया मैंने कुकर। और इसमें डाल दिया मैंने तेल। अच्छे से 2 चम्मच के बराबर तेल डालना है इसमें। लगा देती हूँ कुकर। और अब इसको गर्म होने देते हैं अच्छे से। तो पहले इसमें मैं डालूंगी हींग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा चखिया डालूंगी। चुटकी भरी डालेंगे क्योंकि जीरा भी डालेंगे। तो इसलिए थोड़ी देर इसको भूनना है। तो ये मैंने 1 प्याज काट रखी है। तो एक तरफ मैंने मैगी के लिए पानी चढ़ाया, काफी मैंने मैगी खानी है फिर से आज। और एक तरफ अब इसमें प्याज डाल दूंगी, जीरा हमारा भून चुका है। प्याज को मैं हल्का सा भून लूंगी। और ये मैंने 4 टमाटर पीस रखे हैं। टमाटर पीस के डालूंगी इसमें। इसको भून लेंगे अच्छे से प्याज को। अब इसमें डाल दूंगी टमाटर। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था, वो ये भूल रही। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल चुकी हूँ इसमें। ये डाल दिया इसमें यूरी। अब इसको पकने देंगे अच्छे से, जब तक तेल ना छोड़ दे टमाटर मसाला पूरा। अगर इसको पकने देंगे पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। फिर जाएगी इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा आमचूर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। ये मैंने 2 मीडियम साइज के आलू काटे हैं। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर मसाले के साथ ही भून लेंगे ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। मसालों के साथ भून जाएगा तो इसमें मसाले अच्छी तरीके से मिलेंगे। मैंने इसमें मिर्ची डालना भूल गई थी, तो अभी मैं इसमें इस टाइम पे डाल दूंगी। ये धुली हुई मिर्ची है, फ्रिज में से सूख गई है। तो इसको मैं बीच में से ऐसे कट करके ऐसे डाल दूंगी ताकि मसाले के साथ साथ आलू के साथ साथ ये भी भून जाए। तो अब इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना भी आपने खाना है। तो ये अभी रखा गया नई गद्दी पर। जितना झोला आपने खाना है आप उतना बना सकते हो रस। सच में ये अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। कुछ भी ना समझ में आए तो ये बना सकते हो आप।